वेलकम बैक एवरी वन स्टार्ट करते हैं फ्लावर से द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एन्जस्पम जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है एनजिस में मतलब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएगी वही रिप्रोडक्शन कराएगी इट इज़ मेंट फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ टिपिकल फ्लावर हैज़ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द दिल एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल अब ये कह रहे हैं जो एक फ्लावर होता है उसके पास चार डिफरेंट टाइप के रोल्स मिलते हैं जो कहाँ अरेंज होता है उसके स्वेलन पार्ट पे जिसे कहा जाता है स्टॉक या फिर पेडिसल या फिर थैलमस और रिसेप्टिकल मतलब ये जो नीचे होता है स्टॉक या पेडिस का स्वेलन पार्ट उसे कहते हैं हम थैलमस तो इस पर अरेंज होते हैं जिसके चार रोल्स होते हैं कॉल थैलमस और रिसेप्टिकल दीज आर क्या क्या है ये कैलेक्स, कोरोला इंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये चार रोल्स मिलते हैं कैलेक्स, कोरोला इंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो कैलेक्स है उसे कहते हैं हम सेप्पल्स कोरोला होती है हमारी पेटल्स तो कैलेक्स आर सेप्पल्स एंड कोरोला आर पेटल्स कैलिक्स एंड करोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स कैलिक्स और क्रोला क्या है एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं मतलब ये हमारे मेन नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है एक्सेसरी है वाइल्ड एंड्रोशियम और गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब जो रिप्रोडक्शन कराएंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड क्रोला आर नॉट डेस्टिंग एंड दे आर टर्म डेस्ट पेरियंट जब हम कैलिक्स और क्रोला में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएं आपस में वो एक दूसरे से बहुत चिपके हुए मिले हुए रहते हैं तो उसको कहते हैं हम पेरियंट पेरियंट कंडीशन तो वही है कौन उसके एग्जाम्पल्स हैं इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंग एंड आर एज डेरियंट उसका एग्जाम्पल है लिली अ फ्लावर हैज बोथ इन एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्शुअल अ फ्लावर हैविंग ईधर ओनली स्टेमिन और ओनली कार्पर इज यूनिसेक्सुअल जब एनड्रोशियम गाइनोशियम दोनों में मिल जाए तो वो बायोसेक्सुअल जब एक ही मिले या तो स्टेमिन मिले या फिर सिर्फ कार्पल्स मिले तो उसे कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल इन सिमिट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमार्फिक और जयगोमॉर्फिक एक्टिनोमार्फिक होती है रेडियल सिमिट्री और जैगोमोरफिक को कहते हैं हम बाइलेट्रल सिमिट्री जब हमारा फ्लावर डिवाइड टू इक्वल रेडियल हाउस में और किसी भी प्लेन के थ्रू तो उसे कहते हैं हम रेडियल सीमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हम किसी भी रेडियल में उसको किसी भी प्लेन से पास करें रेडियल प्लेन में वो दो इक्वल लाउस में बंटने वाले हैं देट इज़ रेडियल सिमेट्री वहीं पे जब हम बाइलेट्रल मतलब बीच में से करेंगे तब वो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा वो होती है बाइलेट्रल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक अब किसे कैसे याद रखें एक्टिनो क्या है और जाइगोमॉर्फिक क्या देखो जैसे हम पढ़ते हैं जूलॉजी जूलॉजी के साथ क्या आती है बॉटनी भी आती है तो जेड फॉर जैगोमोरफिक बी फॉर बायोलेट्रल जुलजी एंड बॉटनी तो जेड फॉर जाइगोमोरफिक एंड बी फॉर बायोलेट्रल तो एक्टिनोमार्फिक होती है रेडियल सिमेट्री जैगोमॉर्फिक होती है बायोलेट्रल सिमेट्री वेन अ फ्लार कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रो द सेंटर जब हम उसको क्या कर दें डिवाइड कर दें दो इक्वल रेडियल हाफ्स में किसी भी रेडियल प्लेन से पास करके उसके सेंटर से तो उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड धतूरा चिली ये एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स हैं जायगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हैं है, पी गुलमोहर बीन केशिया तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या है तो एक्टिनोमॉर्फिक के क्या है मस्टर्ड धतूरा चिली विच वैन इट कैन बी डिवाइड टू टू सिमिलर हाफ्स ओनली जब सिर्फ सिर्फ दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड हो तो उसे कहते हैं हम जाइगोमॉर्फिक और भी सिर्फ एक वर्टिकल फिल्मेंट जैसे कि सिर्फ ऐसे दैट इज जाइगोमॉर्फिक तो जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पी गुलमोहर बीन केशिया ये क्या है जयगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल्स तो ये साइड में लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तो आसानी से रिवाइज कर पाओ एक्टिनोमॉर्फिक और लिखते हैं जब एक बार तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है एक्टिनोमॉर्फिक के एग्ज़ाम्पल क्या है मस्टर्ड धतूरा चिली और ये क्या है रेडियल प्लेन से पास करेंगे तब जाके दो हाउस में डिवाइड होगा वहीं पे जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक होता है बायलेटरल सिमेट्री, बाइलेट्रल मतलब इक्वली डिवाइड होगा दो हाफ्स में जब सिर्फ वर्टिकल प्लेन से ऐसे उसके एग्ज़ाम्पल क्या है हमारे पी गुलमोहर बीन और केशिया ये हैं हमारे जाइगोमॉर्फिक के एग्ज़ाम्पल्स अब एक होती है ए सीमेट्रिकल मतलब वहाँ कोई सिमिट्री ही नहीं है तो दैट इज़ इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर हम उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते उसका एग्जाम्पल है हमारा कैना तो तीन सिमेट्री है एक्टिनोमॉर्फिकायगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक इज रेडियल सिमेट्री जैगोमॉर्फिकज बायोलेटरल ए सीमेट्रिक इज इरेगुलर एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल प्लेन जाइगोमॉर्फिक बायिटरल वर्टिकल प्लेन और ए सीमेट्रिक डिवाइड हो गई नहीं इक्वल प्लेन्स में एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल है मस्टर्ड धूरा चिली फी का एग्जाम्पल है पी गुलमोहर बीन केशिया और ए का एग्जाम्पल है कैना अब अ फ्लावर में भी ट्राई मेरिज्रामेरिस और पेंटामेरिस जो फ्लावर है क्या हो सकता है ट्राई मेरिज हो सकता है टेट्रा मेरिस हो सकता है और पेंटा मेरिस हो सकता है वैन द फ्लोरल अपेंडेज़ आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री फोर फाइव जब जो फ्लोरल अपेंडेज हैं वो तीन के मल्टीपल में हो चार के मल्टीपल में हो और पाँच के मल्टीपल में हो तो तभी कहते हैं ट्रायमेरस थ्री का मल्टीपल टेट्रामेरस फोर का मल्टीपल पेंटामेरस फाइव का मल्टीपल फ्लावर विद ब्रैक रिड्यूसली फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैकटेड अब ब्रेक्ट, इसका मतलब क्या है कि उसके पास ब्रेक्टेड मिलेगा मतलब एक रिड्यूस लीफ मिलती है बेस ऑफ द पेडिकल ये पेडिकल तो यहाँ पे एक रिड्यूस लीफ मिलेगी उसे कहते हैं हम और जिसमें नहीं मिलती उनको कहते हैं ई ब्रेक्टेड देखो नाउ बेस ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स एंड कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन द थेलमस अब किसके बेसिस पे किसकी पोजिशन कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम की किस पे रिस्पेक्ट में ओवरी थैलेमस पे मतलब ओवरी के रिस्पेक्ट में इनकी पोजिशंस क्या है कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम की तो इनकी पोजिशंस क्या है उसमें फ्लावर को हमने डिवाइड है तीन चीज़ों में क्या क्या हाइपोगाइनस पेरिगाइनस एपिगाइनस अब हाइपोगाइनस क्या होते हैं हाइपोगनस फ्लावर वो होते हैं जिसमें गाइनोशियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहे सबसे ऊपर रहे बाकी सारे पार्ट उसके नीचे आए तो उसमें ओवरी क्या हुई सुपीरियर क्योंकि गाइनोशियम क्या है सबसे ऊपर और बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे मिलने वाले हैं सब दैट इज सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी होती है तो उसके एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड चाइना रोज पिंजल तो इसकी एक ट्रिक थी मैंने बनाई थी है मस्ट चाइना ब्रिज तो है फॉर हाइपोगाइनस मस्त must से मस्टर्ड चाइना से चाइना रोज ब्रिज से ब्रिंजल तो हाइपोग ओवरी के एग्जाम्पल हैं हमारे है मस्त चाइना ब्रिज मस्त इज फॉर मस्टर्ड चाइना इज चाइना रोज ब्रिज इज ब्रिंजल तो ये क्या है हाइपोगस के एग्जाम्पल वहीं पे अगर गाइनोशियम जो है सेंटर में है और बाकी सारे उसके रिम पे मतलब एक सेम लेवल पे जैसे सपोज ये है और इसी के रिम पे बाकी सारी चीज़ें लोकेटेड है तो वो क्या कहलाया जाता है हमारा पेरीगैनस तो इसमें क्या होती है ओवरी कहा जाती है हाफ इन्फीरियर क्योंकि हाफ इन्फीरियर है और हाफ सुपीरियर तो इसलिए इसे बोलते हैं ओवरीज हाफ है इन्फीरियर तो इसके एग्जाम्पल होते हैं पीच प्लम रोज पीच प्लम रोज वहीं पे एपिगाइनस जो होती है उसमें जो मार्जिन है थैलमस का वो ओवरी के ऊपर आ जाता है मतलब ओवरी नीचे हो जाती है और यहाँ थैलमस ऊपर हो जाता है तो वो क्या है? हो जाता है यहाँ पे कंप्लीटली इन्फीरियर हो जाती है नीचे चली जाती है इसमें कहा जाता है ओवरी कैसी होती है इन्फीरियर इसके एग्जाम्पल होते हैं गोवा कोकोम्बर रे फ्लोरेट्स ऑफ सन वो अब इसको रीड करते हैं पोजीशन किसकी पोजीशन कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम की पोजीशन के बेसिस पे इसको डिवाइड करा गया है तीन में सुपीरियर ओवरी पेरी इज हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर एंड एपी गाइनस इज इन्फीरियर ओवरी तो मैं लिख सकते हैं इसको हाइपो सुपीरियर ओवरी ओवरी सबसे ऊपर मिलने वाली है इसके ट्रिक है मस्त चाइना ब्रिज है फॉर हाइपोगैनस मस्त यहाँ पे स्पेलिंग तुम एम यू एस टी लिखो तो मस्ट इज मस्टर्ड चाइना इज चाइना रोस एंड ब्रिज इज ब्रिंजल तो पढ़ते हैं इन द हाइपोगाइनस फ्लावर गायनोशियम ऑक्यूपाइज दाइस्ट पोजिशन बिलो इट ऑवर इन फ्लॉर इपलोरोम इज सिचुएटेड इन देंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लार आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थेम लेवल कैसे होते हैं एक लेवल मिलते हैं तो उसे कहते हैं पेरी गाइनस ओवरीयर इज सेट टू बी हाफ इनफीरियर क्या कहा गया उसको हाफ इन्फीरियर उसके एग्जाम्पल हैं प्लम पीच रोज या प्लम रोज पीच नाउ एपिगनस द इन एपिग फ्लार द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड थैलमस ऊपर चल जाएगा ओवरी बिल्कुल नीचे आ जाएगी एंड क्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज वेट द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लॉर आर राइज अब द ओवरी सारे बाकी पार्ट्स क्या हो जाएंगे ओवरी से ऊपर चल जाएंगे हैंड्स द ओवरी इज सेट टू बी इन्फीरियर यहाँ पे क्या कहा जाता है इन्फीरियर ओवरी किस में देखने मिलती है गुआवा ककुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर इसमें हमें देखने मिलती है तो ये सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमें याद करना है नौ पार्ट्स ऑफ अ फ्लॉर ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर रोल्स हम पढ़ के आए चार फोर फ्लोरल वोल्स होते हैं कौन कौन से कैलिक्स करोला एंड्रोशियम गाइनोम गाइनोशियम कैलिक्स इज सेपल्स करोला इज पेटल एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम इज फेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैलिक्स आर सेपल्स एंड करोला आर पेटल्स तो द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर एंड द मेम्बर्स आर कॉल्ड सेपल्स कैलिक्स क्या होती है सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर मिलने वाला रोल फ्लावर का और उनको क्या उसके मेंबर्स क्या है सेपल जनरली सेपल्स क्या होती हैं ग्रीन होती हैं लीफ लाइक होती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को इन द बर्ड स्टेज तो कैलिक्स का क्या काम है प्रोटेक्शन करना फ्लावर की ड्यूरिंग बर्ड स्टेज द कैलिक्स मे बी गैमो से गैमो से मतलब कैसे हैं उसकी यूनाइटेड है आपस में और पॉली से पैलेस मतलब सेपल्स फ्री हैं तो गेमो से पैलेस क्या है मतलब इसकी फ्यूज्ड है आपस में सेपल्स क्या है इसकी फ्यूज्ड है और पॉली से पहले उसमें क्या होती हैं फ्री होती हैं नाउ कोरोला कोरोला इज कम्पोज ऑफ पेटल्स कोरोला क्या है पेटल्स का बना है पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशंस तो पेटल्स क्या होती हैं ब्राइट कलर की होती हैं और क्या काम है उनका इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलीनेशन जैसे कि कैलिक्स कोरोला मे ऑल्सो बी यूनाइटेड जैसे कोरोला थी वैसे आ, जैसे कैलिक्स थी वैसे करोला भी हो सकती है तो जो होगी वो हो, क्या है गैमोपेटैल्स जब फ्यूज हैं हमारी पेटल्स और पॉली पेटेल्स जब पेटल्स फ्री हैं अब जो शेप और कलर हैं करोला के वो भी वेरी करते हैं प्लांट्स में करोला कैसी हो सकती है तो ट्यूबुलर बेल शेप फनल शेप और व्हील शेप कैसी भी शेप की मिल सकती है ये देखो इसके यहाँ पे इन्होंने दिखा भी रखा है ये क्या है एनरोशियम ये गाइनोशियम ये करोला कोरोला ब्राइटली कलर्ड फॉर अट्रैक्शन ऑफ द फ्लावर। नौ एस्टिवेशन एस्टिवेशन क्या होती है कि अब जो सेपल्स और पेटल्स है वो कैसे अरेन्ज है हमारे एस्टिवेशन एस्टिवेशन है कैसे अरेन्ज है हमारी सेप्पल्स और पेटल फ्लोरल में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेम्बर्स ऑफ द सेम रूल इज नोन एज एस्टिवेशन दिन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट ट्विस्टेड एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी कितने टाइप की एस्टिवेशन में देखने मिलती हैं पाँच टाइप की मेन जो है वेलवेट ट्विस्टेड एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी अब जब सेप्पल और पैटर्न जस्ट एक दूसरे को टच करें ऐसे तो ये कहलाई जाती है हमारी वेलवेट एस्टिवेशन पल्स और पेटल इनर रोल जस्ट टच वन अनादर एट द मार्जिन तो ये मार्जिन पर एक दूसरे को टच कर रही है तो ये क्या कौन सी एस्टिवेशन है हमारी वेलवेट एस्टिवेशन वेन द सेपल और पेटल इन अर रोल जस्ट टच वन अनादर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैला ट्रॉपिस बिना ओवरलैप करे एक दूसरे को टच करिए इसका एग्जाम्पल क्या है कैला ट्रॉपिस इट इज सेट टू बी वेलवेट कौन सी एस्टिवेशन है वेलवेट एस्टिवेशन अगर जो मार्जिन है इसके ओवरलैप कर दें एक दूसरे को ऐसे एक आया फिर दूसरा ऐसे आया फिर इसने इसको ओवरलैप करा इसने इसको ओवरलैप करा तो ये कौन सी एस्टिवेशन हुई हमारी ट्विस्टेड तो वही If one margin of the पेंडेज overlap that of the next one, एक दूसरे को ओवरलैप करते चले एंड सो ऑन एज एन चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन किस में मिल रही मैं? Rose, Finger, है हमें चाइना रोज लेडी फिंगर और कॉटन ये किसका एग्जाम्पल है ट्विस्टेड का अगर मार्जिन सेप्पल और पेटल्स के ओवरलैप करें एक दूसरे से लेकिन कोई भी उनका एक पर्टिकुलर फैशन नहीं है देखो यहाँ पे पर्टिकुलर था ना कि ये से ओवरलैप करा फिर उसके नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट अब ये ओवरलैप तो कर रही हैं तो ये ऐसे भी ओवरलैप कर सकती है और ऐसे भी ओवरलैप कर सकती है कोई इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ओवरलैप करने का तो ये कहलाई जाती है इम्ब्रीकेस्टिवेशन तो इफ़ द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केशिया एंड गुलमोहर द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट क्या कहते हैं एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट नाउ इन पी एंड बीन फ्लावर दे आर फाइव पेटल्स क्या होती हैं पाँच पेटल होती हैं लार्जेस्ट वाली को कहते हैं स्टैंडर्ड जो ओवरलैप करती है दो ले, ले, लेटरल पेटल्स को ऐसे ये ये क्या है स्टैंडर्ड इसने ओवरलैप करा लिटल पेटल्स को फिर वो ओवरलैप करती है सबसे स्मॉलेस्ट पेटल को जिसे कहते हैं हम कील तो इस एस्टिवेशन को कहा जाता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन या फिर पेपरी इसके एग्जांपल है पी एन बी वेलवेट वेलवेट एस्टिवेशन एम्ब्रीकेट और ये हमारी वैक्सिलरी, ये हमारी चार मेन टाइप की एस्टिवेशन एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स तो वेलवेट के क्या एग्जाम्पल्स थे कैलाट्रोपस ट्विस्टेड का था कॉटन लेडी फिंगर एंड चाइना रोज एमरीकेट के थे केशिया गुलमोहर वैक्सिलरी का था पी और वैक्सिलरी का दूसरा नाम होता है पेप्लिनियोशियस

एंड एंड एंथर अब एंड्रोशियम क्या होता है स्टेमिन का बना है इट अब हर एक स्टेमिन के पास क्या होगा वो रिप्रेजेंट करता है मे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उसके बाद होता है स्टॉक जिसे कहते हैं फिलामेंट और एंथर तो कुछ ऐसा होता है ये जेंट दिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिल्मेंट एंड एन एंथर ईच एंथर इज यूजअली बायो लोब्ड एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स जो एंथर होते हैं वो बायोलोब होते हैं और जो लोब है उसके पास दो चैम्बर्स मिलते हैं तो ईच एंथर इज यूजली बायो लोब्ड एंड ईच लोब हैजू चैम्बर्स ये एंथर है ये बायो है और फिर लूप के पास क्या है दो चैम्बर्स हैं द पोलिन सेक्स द पोलिन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलिन सेक तो पोलिन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है पोलिनसेक में अस्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड जो स्टेराइल स्टेमिन होता है उसे कहा जाता है स्टेमिनोड स्टेमिनस ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेम्बर सच एज पेटल और अमंगदेम सेल्फ जैसे पेटल्स में देखा था कि वो आपस में यूनाइटेड थे भी और नहीं थी ऐसे स्टेमिन में भी देखने मिलता है जब स्टेमिन अटैच है पेटल से तो उन्हें कहा गया है एपीपेटेलिस जैसे कि ब्रिंजल और एपीफिलस वन अटैच टू तो द पेरियंट एज इन द फ्लावर ऑफ लिली तो जब स्टेमिन है वो या तो एक यूनाइटेड हो सकते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ जैसे कि पेटल के साथ या फिर आपस में अपने आप में यूनाइटेड हो सकते हैं जब वो पेटल के साथ यूनाइटेड हैं तो कहा गया है एपी पेटेलस का एग्जांपल है ब्रिंजल और जब वो पेरियंथ के साथ हैं पेरियंथ क्या कंडीशन थी जब सेपल्स और पेटल्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे तो उसे कहते हैं हम एपीफिल्स जिसका एग्जाम्पल था लिली द स्टेमिन इन द फ्लार में ईदर रिमेन फ्री या तो स्टेमिन में जो फ्लार है या तो फ्री रहेगा तो होता है पोलियड्रस या फिर यूनाइटेड हो जाता है अलग अलग डिग्री पे तो उसे हम बोलते हैं फिर जब फ्यूज हो जाता है तो जो स्टेमिन है या तो वो क्या है फ्री है पोलियड्रस कंडीशन और यूनाइटेड देखने मिलेगा जब स्टेमिन यूनाइटेड है इन टू वन बंच एक बंच में है या एक बंडल में है तो मोनो जैसे कि चाइना रोज अगर दो बंडल में है तो डाया पी में और मोर देन टू बंडल्स तो जैसे बोलते हैं पोलियो जिसका एग्जाम्पल होता है सिट्रस देर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन सेल्विया एंड द मस्टर्ड अभी जो फिलामेंट होता है उसकी लेंथ में भी वेरिएशन देखने मिलती है फ्लावर में तो उसके एग्जाम्पल है सेल्विया एंड मस्टर्ड तो एंड्रोशियम के पास क्या मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके पास स्टेमिन से बना हुआ है हर एक स्टेमिन के पास क्या है हमारे स्टॉक और फिलामेंट जिसे स्टॉक बोलते हैं या फिर फिलामेंट बोलते हैं एंथर है एंथर बायलोब होते हैं हर लोग के पास दो चैम्बर है जिसे क्या गया है पॉलिन ग्रेन बनता है पॉलिन सेक के अंदर जो स्टेराइल ग्रेन होता है उसे कहा जाता है स्टेमिनोड स्टेमिन उड, जो होते हैं फ्लावर के या तो यूनाइटेड हो सकते हैं दूसरे मेंबर के साथ या फिर आपस में जब वो पेटल के साथ फ्यूज हैं तो एपिपेटेलस जिसके एग्जांपल है ब्रिंजल जब पेरियथ के साथ हैं तो एपी जिसका एग्जाम्पल है लिली अब जो स्टेमिन है या तो फ्लावर में या फ्री रहेंगे तो पोलियड्रस जब यूनाइटेड हो जाएंगे अलग अलग कंडीशन उसकी तीन कंडीशन देखने मिली है एक बंडल में होगा मोनो एडेल्फस जैसे कि चाइना रोज दो बंडल में होगा डाइ एडेल्फस जैसे कि पी और जब मोर देन टू बंडल्स होगा गए तो पोलियडेल्फस जिसे हम मिलता है सिट्रस में अब जो फिलामेंट है उसकी लेंथ में भी वेरिएशन देखने मिलती है तो उसके भी दो एग्जाम्पल हैं सेल्विया एंड मस्टर्ड नाउ गाइनोशियम गाइनोशियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ मोर वन और more कार्पल्स A कार्पल consists ऑफ थ्री पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी अब जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लार का किसका बना हुआ है वो एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स का अ कार्पल कन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स नेमली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी वहाँ स्टेमिन था स्टेमिन के पास एंथर और फिलामेंट था यहाँ कार्पल है कार्पल के पास तीन पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये है हमारा कापल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ओवरी क्या है एनलार्ज और बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब जिसके ऊपर क्या है एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब जिसे क्या कहा गया है स्टाइल तो ओवरी क्या है एंड लार्ज बेसल पार्ट वहीं पे एक लॉन्ग ट्यूब जिसे कहा गया स्टाइल फिर उसके ऊपर आती है टिप स्टिग्मा यूजुअली एट बेसल पार्ट ऑन विच लाइज एलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा स्टाइल का क्या काम है ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करना द स्टिग्मा इज द टिप ऑफ द स्टाइल और स्टिकमा मिलता है टिप ऑफ द एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलिन आएंगे उनको जो पकड़ेगा कौन पकड़ेगा स्टिग्मा तो रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलिन्रेन इज स्टिग्मा ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवियो द फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा अब हर एक ओवरी के पास क्या होता है एक या एक से ज्यादा ओवियस मिलते हैं किसपे अटैच होते हैं वो एक फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा मोर देन वन कार्पल इज प्रजेंट जब एक से ज्यादा कार्पल प्रजेंट है तो दे मे बी फ्री या तो फ्री हो सकते हैं जैसे लोटस में देखने मिलते हैं रोज में देखने मिलते हैं एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस जब फ्यूज होंगे सिन कार्पस मतलब फ्यूज कंडीशन तो किस में देखने मिलता है मस्टर्ड और टोमेटो में आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इंटू सीड्स एंड दिल मेच्योर्स इन टू फ्रूट जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में और ओवरी मेच्योर हो जाती है हमारी फ्रूट में तो गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह रहे हैं फ्लावर को किसका बना हुआ है एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स का बना है कार्पल के तीन पार्ट है हमारे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी है एंड लार्ज बेसल पार्ट जिस पे क्या है फिर उसके ऊपर आती है एक इलॉन्गेटेड ट्यूब जिसे कहा गया स्टाइल स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी और स्टिग्मा को स्टिग्मा क्या है टिप ऑफ द स्टाइल रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन के लिए जो पोलन ग्रेन्स को पकड़ेगा ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स हर एक ओवरी के पास एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं जो अटैच होता है, है किस पे फ्लैट एंड क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिससे कहते हैं प्रसेंटा जब एक से ज़्यादा कार्पेट प्रेजेंट है तो या तो वो फ्री हो सकते हैं या फ्यूज हो सकते हैं तो फ्री वाली कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस एपोकार्पस का एग्जाम्पल है लोटस रोज और एक और ट्वेल्थ में आता है माइकेलिया दे आर टर्म डेस्ट इन कार्पस जब फ्यूज होंगे उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड टमाटो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड्स में और ओवरी मेच्योर होती है फ्रूट में नाउ प्लासेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन अब जो ओव्यूल मिल रहा है ओवरी के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है दैट इज प्लासेंटेशन क्योंकि ओव्यूल किस एक फ्लैट क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जिससे कहते हैं प्लासेंटा तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन द प्लजेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल एक्साइल पेराइटल बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल प्लासेंटा के कितने टाइप हैं मार्जिनल है एक्साइल है बेसल है सेंट्रल है और फ्री सेंट्रल है द अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन दीज नोन एज प्लसेंटेशन प्लाजेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल एक्साइल पेराइटल बेसल सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल अब मार्जिनल मार्जिन में देखने को मिलती हमें पी में इन मार्जिनल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म अ रिच अलोंग वेंट्रल फ्यूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग द टू रोज लाइक इन पी पी में कैसे बन जाती हैं दो ऐसे रोज बन जाती हैं वैसी ही कंडीशन एज इन पी जब प्लासिंटा कहाँ मिलने वाली है when the प्लासेंटा is the एक्सियल and the ovular टू इट इन अ a multilocular ओवरी द प्लासेंटा इज सेट टू बी एक्साइल जब प्लासेंटा की पोजिशन क्या है एक्जियल है और उसके ओबुल कैसे अटैच है एक मल्टी लोक्युलर ओवरी से तो उस प्लाजेंटेश को कहा जाता है एक्साइल जैसे जैसे टमाटो होता है टमाटो को कट करते हैं तो ऐसे देखने मिलती है कुछ तो वो होती है उसकी कंडीशन एग्जाइल प्लाजेंटेशन जैसे इन चाइना रोज टमाटो एंड लेमन नाउ इन पेराइटल पेराइटल प्लाजेंटेशन में क्या होगा ओब्यूल इन पेराइटल प्लाजेंटेशन दूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट तो पेराइटल पी फॉर पेराइटल पी फॉर पेरिफेरल पार्ट तो ओबुल कहाँ डेवलप हो रही है ओवरी की इनर वॉल पे या फिर उसके पेरिफेरल पार्ट पे ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम यहाँ पे ओवरी कैसी होती है एक चैम्बर ही होती है लेकिन कैसे लगने लगती है वो दो चैम्बर लगने लगती है क्यों क्योंकि क्या हो जाता है वहाँ पे फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से ओवरी दो चैम्बर दिखती है जिसकी एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन वेन द ओवियल आर बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एक्सेस जब ओव्युल बॉन्ड होती है सेंट्रल एक्सेस पे तो सेप्टा एबसेंट होता है जैसे कि डाइंथस एंड तो इसी प्लासेंटा को कहते हैं फ्री सेंट्रल कहाँ पे हुँ? फ्री सेंट्रल सेंट्रल एक्सेस आ रहा है फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल के एग्जांपल हैं डी पी डीपी इज फ्री ऑफ कॉस्ट वी कैन अपलोड डीपी विदाउट एनी पेइंग एनी चार्जेस डीपी इज फ्री ऑफ कॉस्ट डी फॉर डाइंथस पी फॉर प्राइम रोज फ्री सेंट्रल इन बेसल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप्स बेसल प्लासेंटेशन में जो प्लासेंटा है डेवलप होती है बेस पे बेसल बी फॉर बेसल बी फॉर बेस बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट कैसी ओव्यूल अटैच है सिंगल ओव्यूल अटैच है जैसे कि सनफ्लावर एंड मारी तो प्लासेंटा क्या है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की प्लासेंटेशंस होती हैं मार्जिनल एक्साइल पैराइटल प्री सेंट्रल एंड बेसल तो मार्जिनल मार्जिनल में दो रोज में कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है मार्जिनल देखने मिलती है पी में मार्जिनल प्लासेंटेशन एक्साइल एक्साइल प्लासेंटेशन मिलती है जब प्लासेंटा एक्साइल में हो और मल्टीलुकुलर ओवरी से अटैच होती है चाइना रोज टमाटो, लेमन पेराइटल पी फॉर पेराइटल पी फॉर पेरीफ्री कहाँ होगी इसकी पोजीशन पेरीफ्री पे होगी सिंगल चैम्बर से टू चैम्बर लगती है ड्यू टू फॉल्स रैप्टम टू फॉल सेप्टम पराइटल, मस्टर्ड आर्जीव जब ओब्यू सेंट्रल एक्सेस पे आए तो वो होती है फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल सेंट्रल एक्सेस फ्री सेंट्रल फ्री डीपी, पी डाइंथस एंड प्राइम रूज बेसल बेसल इज एट बेस बेसल सिंगल ओवरी कहाँ अटैच होता है बेस ऑफ ओवरी पे इसके एग्जांपल्स हैं सनफ्लावर एंड मारी ये कंप्लीट हुई प्लासेंटेशन नाउ द फ्रूट द फ्रूट इज अ अरेस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट क्या है एक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का इट इज़ अ मैच्योर क्या है मैच्योर या फिर पकी हुई ओवरी होती है फ्रूट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो फ्रूट क्या है एक मेच्योर या ओवरी जो डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफ अ फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट अगर फ्रूट फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तब हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो कहलाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वहीं पर अगर फ्रूट के पास जो दूसरा है वो होता है पार्थिनोजेनेसिस अगर प्लांट भी बन रहा है प्लांट फॉर्म दाउट फर्टिलाइजेशन उसे भी हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस कार्पी सिर्फ आएगा फ्रूट के लिए जब भी सिर्फ फ्रूट का फॉर्मेशन ओनली फ्रूट तभी वो कहलाया जाएगा पार्थिनो कार्पिक फ्रूट या, या पार्थिनो कार्पी तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तभी होगा पार्जिनो जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और अ पेरिकार्प फ्रूट के पास क्या होती है वॉल होती है जिसे क्या कहते हैं पेरिकार्प एंड सीड्स तो फ्रूट की क्या है फ्रूट वॉल जिसको कहा गया है पेरिकार्प और क्या है उसके पास सीड द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी पेरिकार्प जिसकी क्या है वॉल है वॉल या तो ड्राई हो सकती है या फिर फ्लैशी दो कंडीशन है वॉल की जब पेरीकार थिक और फ्लैशी है तो वो डिफ्रेंशिएट होती है एपीकार्प मीजोकार्प और एंडोकार्प में तो दो कंडीशन है ड्राई होगी या फिर फ्लैशी होगी पेरीकार जब पेरीकार थिक और फ्लैशी है तो वो डिफ्रेंशिएट होती है तीन लेयर में आउटर एपीकार्प मिडिल मीजोकार्प इनर एंडोकार्प एपिकार्प आउटर वन मीजोकार्प मिडल वन और एंडोकॉर्पज इनर वन इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज़ नोन एज अ ड्रू जो मैंगो और कोकोनट होते हैं उसके फ्रूट को कहा जाता है ड्रू दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज़, कहाँ से डेवलप हो रहे हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से मोनोकार्पलरी एक कार्पेल है और कैसी ओवरी है सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडिड और कैसे हैं सिर्फ वन सीडेड हैं इन मैंगो द पेरी कार्प इज वेल डिफरेंशियटेड इन टू एन आउटर थिन एपी कार्प मिडल फ्लैशी एडेबल देन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प क्या है इनमें ये डिफ्रेंशेड है इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मीज़ोकार्प इज फाइब्रस देख रहे हैं, तो कैसी है यहाँ पे फाइबरस इन कोकोनट मैंगो में मीजो कार्प क्या है एडिबल फ्लैशी इनके फ्रूट को कहा जाता है वन सेडेड इन मैंगो पेरी कार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड टू आउटर एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी एडेबल मिजोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट में वही उसका फ्रूट भी ड्रुप है लेकिन मीजोकार कैसी है फाइब्रस है द सीड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इंटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं इंटू सीड्स ओवरी इंटू फ्रूट्स अ सीड इज मेडअप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एमरियो जो सीड है वो सीड कोट होगा उसके पास और एमरियो होगा एमब्रियो इज मेडअप ऑफ रेडिकल एंड एम्बरल एक्सल एंड वन एज एन वीट और टू क्वार एज एन ग्राम एंड पी तो जो ओव्यूल है ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा डेवलप होगा सीड में सीड के पास सीड कोट होगा एम्ब्रियो होगा अब जो एम्ब्रियो है वो भी किस दो चीज़ों का मिलके बना है रेडिकल है उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सेस है और कॉटिलीड्स हैं अगर एक है तो मोनोकॉट दो है तो डायकॉट मोनोकॉट के एग्जाम्पल है वीट एंड मेज डाइकॉट के एग्जाम्पल है ग्राम और पी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है सीड कोट सबसे बाहर की कवरिंग द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स उसकी भी दो लेयर होती है आउटर टेस्टा इनर टैगमेंट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज सीड कोट ज टू लेन इज टेस्टा इनर वन इज टेगमिन द हाइलम इज द स्कार सीट कोड थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट एक स्कार है जिसे कहते हैं हाइलम ये क्या है ये अटैच करवाता है डेवलपिंग सीड कोड टू फ्रूट फ्रूट के साथ तो आउटर टेस्टा थी इनर टेगम थी हाइलम एक स्कार है ऑन द सीड कोट थ्रू विट डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर एक और पोर मिलता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रूनल एक्सिस एंड टू क्वार्टिडोन्स जब सीड कोट के अंदर ही जो एम्ब्रियो है उसके पास क्या है एम्ब्रूनल एक्सिस और दो क्वार्टली हैं द एमब्र्यूनल द कॉटिलिडॉन आर ऑफ एंड फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल अब जो कॉटिलिडॉन्स हैं वो फ्लैशी मिलते हैं कई बार उनके पास क्या होता है रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर होता है एट द टू एंडस ऑफ़ द एम्ब्रल एक्सेस आर प्रजेंट द रेडिकल एंड द पीम्यूल जब एंड होता है एम्ब्रूनल एक्सेस का वहाँ पर क्या मिलता है रेडिकल और पीम्यूल ये रेडिकल ये पीम्यूल प्लीम्यूल गिव राइट टू शूट सिस्टम As a of a कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर जो एंडोस्पॉम बनता है वो कैसे बनता है रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू कैसा है फूड स्टोरिंग टिश्यू वहीं पर कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि बीन ग्राम अंध पी द endosperm इज नॉट प्रेजेंट इन द mature सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स जहाँ पर endosperm पूरा कंज्यूम हो जाता है वो कहलाए जाते हैं नॉन endosperm सीड जिसके example हैं bean, ग्राम एंड पी और जहाँ पे स्टोर रहता है जिसका उसका example था कैस्टर तो endosperm जहाँ पे बच रहा है वो होते हैं हमारे एंडोस्पर्मस सीड्स जहाँ पे कंज्यूम हो जाता है वो होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स सीड कोट सीड कोट की दो लेयर आउटर टेस्टा इनर इस्टेगमेंट अस्कार हाइलम माइक्रोपाइल हाइलम क्या था एक स्कार जहां पे सीड कोट अटैच होता है थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू तो दी फ्रूट और हाइलम के ऊपर स्मॉल पोर है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स जनरली द मोनोकोटिलिटन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम ऑर्काइड आर नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक थे मोनोकॉड्स लेकिन उसका एक्सेप्शन है ऑर्काइड्स बट एज इन क्या कैसे होता है नॉन एंडोस्पमिक इन द सीड्स ऑफ द सीडियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल कुछ सीड्स होते हैं जहाँ पे कुछ सीड्स होते हैं सीडल्स के जैसे कि मेज वहाँ पे सीड कोट कैसे होता है मेम्ब्रेनियस होता है और फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ अब जो हमारा एंडोस्पम है वो बल्की होता है और फूड स्टोर करके रखता है अब यहाँ पे जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पम की वो प्रोटीनशियस होती है जिसे कहते हैं एल्यूरोन लेयर और इसकी प्राइडी होती है थ्री एन द इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रुप एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पम एम्ब्रियो का होता है एक एंडोस्पम के एक एंड पे स्टोर होता है जिसके पास एक लार्ज शील्डेड शेप का कॉटलेडन है जिसे कहते हैं स्क्यूटेलम और एक शॉर्ट एक्सेस होती है प्रीम्यूल और रेडिकल के साथ अब प्रीम्यूल और रेडिकल को भी कवरिंग होती है जो प्रीम्यूल की कवरिंग है वो होती है सील्यू पिटाइल और जो रेडिकल की कवरिंग होती है वो होती है सील्यू रहीजा एंडोस्पम सीट कोट एंड द फ्रूट वॉल एंडोसपम एल्यूरोन लेयर थ्री एन प्रोयडी स्क्यूटैलम कॉटिलिडोन सिंगल कॉर्टिलिडोन सिंगल कॉटिलिडन का नाम है यहाँ पे स्क्यूटैलम सिलियो पटाइल क्लीम्यूल की कवरिंग सीलो रहीजा रेडिकल की कवरिंग कवरिंग ऑफ क्लीम्यूल कोलियो रहीजा कवरिंग ऑफ रेडिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलस सीड तो फ्रूट क्या था एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का क्या होता है मैच्योर या फिर रैपिड ओवरी डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है ओवरी में बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है दैट इज पारथिनो कार्पिक कार्पिक वर्ड से फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है ना कि प्लांट्स वगैरह के लिए जब भी कोई ऑर्गेनिजम बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज पार्थिनोजनेस फ्रूट के पास वॉल होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्प और सीड पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी हो सकती है अगर फ्लैशी और थिक है तो वो डिफ्रेंशिएट होती है आउटर वन एपिकार्प में मिडल वन मीज़ोकार्प में इनर एंडोकार्प में मैंगो में जो मीज़ोकार्प होती है फ्लैशी और एडेबल होती है वहीं कोकोनट में वो फाइबरस होती है मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को ड्रूप कहा जाता है वो कहाँ से डेवलप होते हैं ये इंपॉर्टेंट है मोनोकार्पले सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड मेंगो की में पेरिकार डिफ्रेंशियटेड है आउटर थी नेपिकार मिडिल फ्लैशियडेबल मीजोकार इनर स्टोनी हार्ट एंडोकार वहीं पे जो कोकोनट होती है उसका फ्रूट भी ड्रूप होता है और मीजो वहां फाइब्रस होती है अब जो सीड है सीड कहाँ सा है जो ओ, ओ, ओवरी थी वो चेंज हो जाती है हमारी फ्रूट में और जो ओब्यूल्स है वो चेंज हो जाते हैं सीड में सीड किसका बना है सीड कोट एंड एम्ब्रियो अब जो एम्ब्रियो है उसके पास क्या है रेडिकल एम्ब्रोनल एक्सेस और डायकॉटलीडोन तो जहाँ पे एक क्वार्टिडॉन है वो है मोनोकॉट जहाँ दो क्वार्टिडॉन है वो डाईकॉट मोनोकॉट के एग्ज़ाम्पल है वीट और मेज डायकॉट के एग्जाम्पल है ग्राम और पी अब डाइकॉटलिनल सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है आउटर मोस्ट कवरिंग सीड की उसको सीड कोट कहते हैं दो लेयर होती हैं उसके पास आउटर वाली टेस्टा इनर वाली टेगमेंट अब हाइलम एक स्कार है सीड कोट के ऊपर जहाँ से डेवलपिंग सीड अटैच्ड है फ्रूट के साथ दैट इज हाइलम तो हाइलम का क्या काम है डेवलपिंग सीड को फ्रूट के साथ अटैच करवाना अबव अब द हाइलम एक स्मॉल पोर होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर एक और पोर होता है जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल अब सीड के अंदर ही विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो सीड कोट के अंदर ही क्या है एम्ब्रियो है उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सेस है और दो कॉटिलडोन्स हैं अब कॉटिलडोन या तो फ्लैशी होते हैं और उसके पास क्या होता है फुल रिजर्व फूड मटीरियल होता है अब एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सेस जब जहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सेस खत्म हो रही है वहीं पे क्या मिलेगा रेडिकल और प्यूम्यूल रेडिकल देता है रूट सिस्टम को ओरिजिनेट करवाता है प्यूम्यूल शूट सिस्टम को ओरिजिनेट कराता है कुछ सीड्स हैं जैसे कि कैस्टर वहाँ पे एंडोस्पम बनता है किसके वजह से डबल फर्टिलाइजेशन के वजह से और ये क्या है एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है कुछ प्लांट हैं जैसे कि बीन ग्राम एंड पी वहाँ पे एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता मेच्योर सीड्स में उन सीड्स को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स जहाँ पे एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होगा वो होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स जिसके एग्जाम्पल है बीन ग्राम एंड पी वहीं पर जो कैस्टर था वहाँ पे एंडोस्पम फॉर्म हो रहा था किसके वजह से रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और क्या है वो फूड स्टोरिंग टिश्यू तो ज़्यादा जो डाइकॉट्स हैं वो कैसे होते हैं डाइकॉट्स होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस वहाँ एम हमें एंडोस्पम देखने नहीं मिलता वहाँ कंज्यूम हो जाता है वहीं पर जो मोनोकॉट होते हैं सिंगल कॉटलीडोन मिलता है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं लेकिन जो कुछ ऑर्किड्स होती हैं वो कैसे होती हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं इन द सीड्स ऑफ सीरियल जैसे कि मेज वहाँ पे सीड कोट मेम्ब्रेनियस है जनरली फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ अब जो एंडोस्पम बल्कि होगा वहाँ पे जो एक उसका सिंगल कॉर्टर है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं उसकी जो लेयर होती है प्रोटीनिशियस होती है जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं जिसकी प्लाइटी थ्री एन होती है एम्ब्रियो स्मॉल होता है और एक साइड पर लोकेटेड होता है अब प्रीम्यूल और रेडिकल है वहाँ पे प्रीम्यूल की कवरिंग होती है सील्यू पेटाइल और रेडिकल की कवरिंग होती है कोलियो रहीजा तो ज़्यादा जो डाइकॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं नॉन एंडोस्पमस होते हैं वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं मिलता एंडोस्पर्म कंज्यूम जाता है लेकिन जो ये कैस्टर है ये एक्सेप्शन है इसमें एंडोस्पर्म देखने मिलता है वही मोनोकॉट में सब में एंडोस्पर्म मिलेगा लेकिन एक एक्सेप्शन है ऑर्किड जहाँ पे हमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता तो ऑर्किड्स आर एंडोस्पर्मिक ये मोनोकॉट का एक्सेप्शन कैस्टर डाईकॉट का एक्सेप्शन आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अब फैमिलीज स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय